ये योजना जो है वो पहले की थी और आगे से नहीं इसको कार्यान्वित लेकिन देखना ये चाहिए कि योजना तो पहले विकास विकास का लाइफ और विकास को ही मन आता है सामने आ रहा है सुनो आपको आर के सिंह जो 63,009 से एक वोट से आगे चल रहे हैं देख सकते हैं किस प्रकार से मीडिया सेंटर में सभी लोग बैठे हुए हैं और टीवी पर भी देख रहे हैं वो हम जैसा कि आप पहले ही बता रहे आरा का जो जिस तरह से प्रचार में भी कोई कमी नहीं हुआ जो भी पोलराइजेशन की पाले में ले लिया जाए लेकिन कहीं ना कहीं जनता वो जानती है कि करीब 11 राउंड पूरे हो चुके हैं और 11 राउंड पूरे होने के पश्चात आर के सिंह को टोटल 2,60,163 वोट मिले हैं और वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी राजू यादव को 1,96,262 वोट मिले हैं। दोनों वोट का अंतराल को मिलाकर आर के सिंह 63,901 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं इस बार जनता ने नोटा को भी अच्छा वोट दिया है। यहां पर नोटा को अभी तक 10,501 वोट मिले हैं। आगे भी इसी तरह से आपको अपडेट बताते रहेंगे। हमारे साथ बबलू भैया भी हैं। बताइए बबलू भैया, क्या लग रहा है इस बार? यहाँ इस बार लोगों ने जो वोट दिया है किस आधार पर दिया है? हमारे साथ एटीवी भारत के संवाददाता कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी, इस बार जो लोग मतदान किए हैं वो किस चीज को लेकर मतदान किए हैं? यानी कहीं ना कहीं विकास को देखकर इस बार जातीय समीकरण को देखकर लोगों ने वोट नहीं किया। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि लोग अब विकास की परिभाषा समझने लगे हैं और हर कोई चाहता है कि विकास हो, विकास हो, विकास हो और इसलिए यहाँ पे चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे वो यहाँ पे बात करें और निचले जो जाति के हैं उनकी बात करें तो हमारे साथ अभी ईटीवी बिहार के संवाददाता हिमांशु जी। हिमांशु, अभी जो मतगणना में जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशी राजकुमार सिंह जी आगे चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार के जो लोगों ने मतदान किया है क्या चीज को देखकर किया है? ये समझते हैं कि विकास क्या होता है, विकास की क्या परिभाषा है। आरा के लोग पहले से भी समझते थे लेकिन आरा में विकास होने के कारण वो लोग बाहर चले गए थे। आरा में विकास देखा तो वापस लौटे, यहाँ तक वोट देने के लिए वापस लौटे। दूर दराज से लोग आए कि वो अपना वोट मूल्य जो है वो कास्ट कर सकते हैं, विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया। चंदन जी, आप बताएं क्या कहेंगे इस बार जो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशी आरके सिंह आगे बढ़ रहे हैं?
विकास हारी रहा, विकास के नाम पर वोट दे जाति का काम नहीं आया। जनता ने विकास पर विश्वास किया है और जिस तरह से विकास के एक नई आयाम को बढ़ाने का प्रयास किया अभी यहाँ ये भी देखने को मिला कि दूसरे राउंड के बाद जब आर के सिंह आगे हुए तो आगे बढ़ते चले आए हैं। अभी तक 64,000 जाति कोई खतर नहीं होता हर, अगर हमारा प्रतिनिधि विकास करता है चाहे वो किसी जाति का हो तो हमें सबसे गर्व समझा है उसको वोट करने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे मिराज जी, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर योगी वोट दिया गया है, जनता का फैसला इससे चुनाव के लिए स्पष्ट होता है कि जनता मन में क्या है ये तब तक नहीं पता चल सकता जब तक मतगणना पूरी तरह से नहीं हो जाती है। तो मेन मुद्दा यानी कि जनता ने इस बार विकास को देखकर मतदान किया है। जी अभी आपने हमारे सहयोग कुछ संवाददाताओं से बात की और उन्होंने बताया कि इस बार जो चुनाव हुआ है वो हुआ है विकास को लेकर। फिर आगे आप बने रहिए, फिर आपको आगे अपडेट दिखाते रहेंगे। 18 सिटीज को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ, तो आपने यहाँ का अपडेट जाना, अभी और भी जो लोगों से राय लेंगे हमारे राकेश कुमार बंटी, हमारे साथ बहुत सारे बैठे मत बैठो तो जी आ रहे हैं तरह से आशुतोष भी बैठो ना इसलिए मोबाइल पर ऐसे करके रखे हैं ना। बैठो जब वहाँ बैठो ना वहाँ पे लोग सब ये करो लोग हमारे साथ अभी सहारा समय के संवाददाता आशुतोष पांडे जी। आशुतोष पांडे जी बताएं इस बार की जो चुनाव हुआ है लोगों ने मतदान किया, क्या देखकर मतदान किया? अभी यहां पर करीब 8 राउंड का मतगणना हो चुका है और मतगणना में एनडीए के प्रत्याशी आरके सिंह अभी आगे बढ़ बढ़ाए हुए हैं। आपने बताया थे कि बहुत सारा विकास किया, किसान का मामला हो या रेलवे का मामला हो, सड़क का मामला हो, हाईवे का मामला हो, पुल एग्जाम की समस्या का मामला से बातचीत करने के बाद समाधान निकाले हैं। और जो आज का रुझान है उन्नता विकास की ओर है, जात पात हावी नहीं हुआ, विकास हावी है, जात पात कौन हो चुका है। जो लोग कहा करते थे कि कुछ नदियां बहेंगी, वही लोग सोचे अगर विकास कोई नहीं करेगा अभी। हमारे साथ सहारा समय के संवाददाता कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी बताएंगे कि इस बार जो लोगों ने मतदान किया है क्या देखकर मतदान किया था? भोजपुर के लोगों ने विकास को तवज्जो दी है निश्चित तौर पर। आर के सिंह ने अपने कार्यकाल में 900 गांव में योजनाएं दी है, इसके अतिरिक्त द्वारा शहर में चाहे स्टेशन का विकास हो, रेलवे कोई और पुल बन रहा है, इसके अलावा पूर्वी दुमका बन रहा है, ये सब काफी मायने रखता है। यहाँ पर इस बार इस भी देखा गया कि एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ यहाँ पर माले प्रत्याशी को महागठबंधन के द्वारा खड़ा किया गया था कि किसी प्रकार से आरके सिंह को हराया जाएगा, लेकिन उनकी जो मनसाबा थी उसमें वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। लोग कह रहे थे लेकिन जिस तरीके से 64,708 मतों से इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने जाति को
को नहीं माना है, सभी वर्गों के लोगों ने उनको वोट दिया है। यानी कहीं ना कहीं कहा जाए कि यहाँ के जो भोजपुर की जनता है उन्होंने विकास को देखकर वोट दिया है, ना कि जाति समीकरण को देखकर वोट दिया है, विकास को ही तवज्जो दी है। और उम्मीद है कि ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार दूसरी बार ये इतिहास में, भोजपुर के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दूसरी बार वे सांसद बनेंगे। और पूरे भारत में करीब करीब कितने एनडीए के सीट आने चाहिए? अभी तक तो जो रुझान मिल रहा है उसके अनुसार 344, यानी कि पूर्ण बहुमत में भाजपा सरकार आ रही है। हाँ, पूर्ण बहुमत में भाजपा सरकार। 64,000 कितना से है आगे? ये जो है ये लोटा का है, 10,800 मत मिले हैं। वहीं उनके दल को जो है यहाँ पे 2,67,000 वोट मिले हैं।